हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से मेरे चैनल फैक्ट्री में आप लोगों को स्वागत करती हूँ। इस चैनल के द्वारा मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कुछ नया और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जानकारी दूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये चैनल अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, और मेरे वीडियोज़ अच्छे और इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करने को प्लीज़ मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे बर्ड के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको क्रोकोडाइल बर्ड भी कहा जाता है। ऐसे तो क्रोकोडाइल से हर कोई डरते हैं, लेकिन ये छोटी सी बर्ड जो काम करते हैं हर कोई सोच के भी डर जाए। ये बर्ड है इजिप्टियन प्रोवर्ड जो ट्रॉपिकल सब सहारन अफ्रीका के निवासी है। ये बर्ड को क्रोकोडाइल बर्ड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये क्रोकोडाइल्स के साथ अपने सहजीवी संबंधों के लिए फेमस है। हीरोडोटस से जुड़ी एक कहानी के अनुसार मगरमच्छ अपने मुंह खोलकर किनारे पर लेते रहते हैं और मगरमच्छ के मुंह में प्लोवर्स उड़ जाते हैं ताकि मगरमच्छ के दांतों के बीच छोड़ने वाली मांझ के टुकड़े को खा सके। मगरमच्छ प्लोवर्स को नहीं खाते क्योंकि प्लोवर्स मगरमच्छों को बहुत जरूरी दांत चिकित्सा प्रदान करते हैं। दो प्रमुख पक्षी विज्ञानी ने इस कहानी को सपोर्ट किया है, लेकिन इसके बिहेवियर को ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है। ये बर्ड नदियों में सैंडबर्स पर प्रजनन करते हैं। ये पक्षी अक्सर मगरमच्छ के दांतों के बीच से मांझ को हटाने और खाने के साथ साथ मगरमच्छ की जीभ से लीचियन जैसे पैरासाइट्स का भी भोजन करते हैं। ये बर्ड मुख्य रूप से कीड़ा खाते हैं और ये वर्म्स, मॉलक्स और सीड्स भी खाते हैं। ये बर्ड लगभग 7 to 8 inches लंबा और वजन में 45 to 65 grams हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोगों को ये छोटी सी प्लोवर बर्ड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आप लोगों के पास जल्द ही आऊँगी। और तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।